Dim 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 dim, dim.

आपको अपनी जिंदगी गुजारने में क्योंकि मसला है और बेस्ड ऑन सर्कमें जवाब दूंगा एंड यू फाइंडबल के हाँ यार ऐसे किया जा सकता है

MGS. I said, where do you work? Where I don't work would be the right question, mm. I guess. So uh, the Sheikh She 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 Moin is everywhere. <laughs> <laughs> ha, everywhere, and somehow we end up being together everywhere we are, <laughs> <laughs> other than our homes, probably. So is that the MGS or UMT? Chal raha. Hmm. Sheikh, what about you? Uh, I heard that you recently uh, MGS chhoda tha. Ah, adi talag di. Ha, adi talag di. Adi talag di. How does that work? I'm uh, this year I'm consulting at MGS, which means I have to go lesser than the usual, and I'm just looking at some parts of their tarbiyah. And uh, other than that, I'm doing BNU, which is something that I've been doing for about 10 years now, and I'm teaching Islamic studies solely. Uh, they want me to be teaching some business subjects as well, but that's under debate. But yeah, and uh, I think formally, so engagement, but most of my time is spent here at Nasiha, okay? So i so, you know, बट देन एल्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन जो है ना जिसमें नए प्रोग्राम्स कॉन्फ्रेंसिस फाइनस की अरेंजमेंट हायरिंग फायरिंग स्ट्रक्चरिंग अभी स्टूडियो हमारा नया बनने की बात चल रही है तनवीर सामने बैठा स्माइल कर रहा है ठीक है तो क्योंकि आर्किटेक्ट भी है और वीडियोग्राफी भी है तो उस तरह के जितने भी जो बिहाइंड द सीन्स नसीहा की चीज़ें उसमें जो है अब जो जो टीम हमारी यहाँ फुल टाइम है उसको सपोर्ट करने की कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इसी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ग्रोइंग सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम इनफैक्ट अभी माई uh, डाइडस्ट जस्ट के एक दिन पहले पाकिस्तान तो अभी सुबह में उनके साथ ही था तो मुझे कैसे कहाँ जाओगे तो आई सेट आई सेट नसिया डे तो आई एम गोइंग टू नसिया करते क्या ठीक है बड़े गुस्से आई ऐसे काम होते कहते नहीं क्या काम होते तो बता मुझे क्या काम होते ठीक है तो मैंने उनको चार छः चीज़ें गिनवाई कि मैंने कहा ये भी काम है ये भी ऐसे भी है इम्प्रेस नहीं हुए वो क्योंकि बट बट देते थे लौटे वो ये नहीं इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि आपने सिर्फ बयान देना है आके वो करना है ये बहुत सारे फिर लोगों से मिलना कोई ना कोई चीज़ तो एट द एंड ऑफ द डे एक इधारा है छोटा सा ही सही बट जो चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं

तो इसका ये मतलब नहीं हर गुना कर सकता है झूठ में प्रॉब्लम क्या है बिकॉज दे इज समथिंग साइकोलॉजिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब इंसान अपने आप को झूठ बोल कर जस्टिफाई करता है और अपने उ, उन सर्कमस्टांसिस को अपेरेंटली अवॉइड कर लेता है तो फिर वो अपने आप को ठीक नहीं कर रहा होता क्योंकि ये जो मिथ या मिसकनसेप्शन है कि सच बोलो तो मसला नहीं होगा नहीं मसला mm -hmm. होगा फॉर एग्ज़ाम्पल जब बच्चा सच बोल देता है तो उसको शायद डांट पड़ती है एम्प्लॉय सच बता देता है तो उसकी कोई रिप्रकॉशन फेस करना पड़ती है बट वट्स द ट्रिक बिहाइंड बिकॉज जब आप सच बोल रहे हो ना तो अब आपको उस मसले को ठीक भी करना है hmm. जिस वजह से आपको झूठ बोलना वो कोई ना कोई सरकमस्टानस थे जिनको आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे तो आई थिंक ये जो माइंडसेट है ना जो अल्लाह नबी सलाम हमारे अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी असलाह मकसूद है और वह असलाह होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ एवेंचुअली सर्कमस्टांसिस चाहे वो दुनिया के अतबार से हैं आखरत के अतबार से हैं वह आपने अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि जब आप झूठ बोल रहे हो ना तो या तो आप अपने काम में बद थे तो उसकी नीयत को ठीक करना है या कहीं कॉम्पिटेंस में कमी थी कि स्किल सेट में कमी थी जिसकी वजह से काम ठीक नहीं हो रहा था तो उसको ठीक करना है तो मेरे ख्याल से सच बोलना क्यों चाहिए बिकॉज दैट्स द ओनली स्ट्राटी जो आपकी अपनी ग्रोथ में भी आपको हेल्प कर रही होगी अपने इम्प्रोवमेंट में भी आपको हेल्प कर रही होगी आपने जो सवाल पूछा ना स्पेसिफिकली एडिंग टू स्पेसिफिकलीट कि कुरान की जो आयत है तकवा और फिर सीधी बात करना है इसमें क्या रब क्या है झूठ का क्या ताल्लुक है तो देखो तकवे की एक मानी अल्लाह ताला का खौफ है बट असल में उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम ये बात समझ जाएँ कि अल्लाह रब्ल हम माइंडफुल हो जाए कॉन्शियस हो जाए इस चीज़ से कि अल्लाह हमें देख रहे हैं अल्लाह हर चीज़ जानते हैं अलीम ज़ात हैं ठीक है कादिर भी हैं सो so, झूठ एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें यूनिवर्सल एथिक्स के अंदर आता है कि तभी तौर पर झूठ को पसंद नहीं किया जाता आपको इसके लिए किसी मजहब या शरीयत या किताब की ज़रूरत नहीं है समझने के लिए तो आप ये समझ लें कि अगर मैं एक बात एक झूठी बात करता हूँ जिसका शायद आपसे नुकसान नहीं भी है ठीक है बट मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा झूठ जाहिर हो किसी के सामने ठीक है क्योंकि इट वुड मेक मी लुक बैड राइट नो बडी वे कि ओ वॉट अ ग्रेट लायर सिमिलरली द नोशन ऑफ अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग दैट अल्लाह इज़ वॉचिंग शुड रेक्टिफाई आयर बिहेवियर दैट यू यू नो माइट लाई एंड गेट अवे विद इट इन दिस दुनिया बट रिमेंबर द फैक्ट दैट अल्लाह सुबह इज सी ही नोज एंडल्लाट फीयर ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह तक आपको Uh, आपको अल्लाह के पास लौटना है और फिर आपको हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा सो आई थिंक द नोशन ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस एंड लाइंग लाई दैट वी हैव ठीक है तो इसका ताल्लुक इस बात से होगा कि हमें आखिरत के दिन इस पर जवाब देना पड़ जाएगा उसमें फ़ियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस यार अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो नुकसान हो जाएगा जॉब जा सकती है गाहक भाग जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल दिस डिफरेंट नोशंस तो उस पर वट आर योर थाट्स कि वहाँ पर हमारा अपना दिमाग जो है उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा होता है एक तरह से कि यार नहीं यहाँ पर तो बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है तो एक वो उस जस्टिफिकेशन के पहलू में आपने अपने आप को झूठ से कैसे रोकना है यार ऐसा सब... तो देर आर टू साइड्स टू दिस एक किया है कि अगर इफ़ यू आर द वन हु इज़ क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप लीडरशिप पोजिशन में हो या आप हो जो उस सारे सेटअप को रन करने की कोशिश कर रहे हो तो दैन यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे पीपल आर वेरी फोर्थ कमिंग इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली रियलाइजिंग कि कभी गलती हो भी सकती है कभी चीज़ें फॉर वट एवर रीजनस पर्सनल या प्रोफेशनल चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं तो उस कल्चर hmm. में यू नीड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे विद दोर्थ कमिंग विद दिस रियलाइजेशन की हमने गड़बड़ किया है अदरवाइज hmm. फिर देर पुटिंग डिंग थिंग्स अंदर कारपेट आपको किसी पॉइंट पे लग जाएगा बताओ तो फिर आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए ऑनस्ट कॉन्वर्सेशन अगर आप ख़ुद करते हो और आगे से एक्सपेक्ट भी करते हो ना तो थिंग्स बिकम ईजियर और ऑन द वही पार्ट अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को रिपोर्ट कर रहे हो और आप उसके साथ आ, सच बोलने के मामले को हमेशा यूं रखोगे सो आप पहले थोड़ा एनालिसिस कर लो बिकॉज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज़ के जब आप झूठ बोल रहे हो ना तो आप खुद भी नहीं सोच रहे क्या हुआ क्या था तो आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लो कि यार मैंने जहाँ भी गलती की थी या मैं जिस बारे में भी झूठ बोल रहा हूँ वो क्यों हुआ था उसमें क्या वीकनेस थी कहाँ मेरी गलती थी कहाँ पे समबड़ी एल्स हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट और फिर जब आप वो सिचुएशन उस तरह लेके जा रहे हो ना तो अभी भी आप वो प्रॉब्लम तो डिस्कलोज कर रहे हो जिसके बारे में आप झूठ बोल रहे थे बट नाओ आप ऑलरेडी अगले का माइंड सेट की तरफ लेके जा रहे हो राधर देन के उसे प्रॉब्लम में फंसाया हुआ है जिसपे आपको झूठ बोलना पड़ा था तो मैं कहूँगा कि वो फिर अगेन आपकी ग्रोथ को हेल्प कर रहा होगा अदरवाइज आपने झूठ बोल दिया ना तो फिर आपने उसको सिर्फ डिले कर दिया हो सकता है कभी पता ना लगे लेकिन अगर जब पता लगेगा भी तो वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी लेकिन अगर ना भी पता लगा ना तो देखे मसला हल नहीं हुआ hmm. जिस वजह से आप झूठ बोल रहे थे और वो माइंड आपको ही लॉन्ग टर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉट ओनली दैट इट्स ऑन योर कॉन्शियस वो बर्डन रहेगा Uh, बल्कि फिर वो आपकी अपनी ग्रोथ को भी हैंडल कर रहा होगा एंड वट अबाउट द फ्लिप साइड ऑफ इट इज वन एस्पेक्ट यार आपका नुकसान होना है uh, एक इसका फ्लिप भी होता है कि कोई फायदा रह जाएगा hmm. कि यार मैंने आज कितना काम किया है तो मेरी जो uh, छः महीने बाद प्रमोशन होनी है वो रुक जाएगी इफ़ आई डोंट लाए कि यार ये चीज़ जो है तो बहुत ही लाइक like, Uh, जो आप कभी कपड़ा खरीदने जाओ तो अक्सर वो हर कपड़े की तारीफ कर रहे होते हैं और आप नोट करो वो सेम तारीफ हर कपड़े की कर रहे होते हैं hmm. तो दैट्स टू टू अगेन द फैक्ट कि एक फ़ायदा आना था वो नहीं आएगा एंड दैट्स इन आवर माइंड तो एक इसमें एस्पेक्ट ये कि वो फायदे की डेफिनेशन वाला भी आता है बट एक ये कि वाई यार अगर नहीं झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं होएगा क्योंकि ईमान की कमी है और ऊपर से हर्ट बिहेवियर है उर्फ ये है कि लोग बाजारों में झूठ बोलते हैं दफ्तरों में झूठ बोलते हैं घरों में झूठ बोला जाता है ठीक है और क्योंकि ईमान नहीं बना हुआ हम सबका का क्योंकि हम मुसलमान तो हैं बट हम ना आखिरत की सोचते हैं और ना हमें यह परवाह है आपने पहले कहा ना फ़ियर ऑफ़ कॉन्सिक्वेंस वट फियर शुड बी ग्रेटर बॉस को क्या जवाब देना है माँ बाप के आगे झूठ बच के कैसे बचना है या अल्लाह ताली के आगे कैसे जवाब देना है और दूसरा ये बात कि नहीं हम इतने दुनिया में इनग्रोस्ड हैं कि हम अपनी आखिरत बेचकर एक्चुअली जो है ना दुनिया के झूठों से ज़िंदा रह रहे हैं सो जो फ़ायदे वाली बात है ना इसका ताल्लुक इस बात पे है कि भाई मेरा जो रिस्क है वो अल्लाह ताला अल्ला के साथ टाइड है सही तो अगर आप किसी शख्स से आज सड़क चलते से भी पूछें कि ये बता दें कि अगर रिस्क आपका अल्लाह की तरफ से आता है तो अल्लाह आपको रिस्क कहाँ ज़्यादा देंगे झूठ बोलकर या सच बोल कर? तो तो आंसर वुड भी सच बोल कॉमन सेंस चीज़ है बट प्रैक्टिस क्या है कि जब हमें ये रियलिटी फ़ेस करनी पड़ती है एज़ अ केस स्टडी तो हमारा इंस्टिंग शैतान का धोखा और हमारी आदत हमें झूठ की तरफ ले जाती है कि नहीं यार देखी जाएगी फिर कभी तौबा कर लेंगे एक्स हो जाएगा वाई हो जाएगा तो इस आदत को बदलने के लिए एक तो वही वाली बात है जो कुरान में आगे आएगा भी ना कि आता है कि या यो लजी नात वकून उमास अल्लाह ने क्या कहा कि सच्चे लोगों के साथ रहो क्या मतलब है ताकि तुम उसमें बुनियादी तौर पर सच की एसेंस को समझ भी सकोगे राइट यू बी एबल टू थोड़स्टैंड कि वॉट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट सो आई थिंक वही जुम्मी ने कहा यू यू नीड टू बिल्ड अ कल्चर वेर दैट इस इंकरेज राइट बच्चों की तरबियत में इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन hmm. वो होती है कि आप बच्चों को सच बोलने पर रिवॉर्ड करें ठीक है यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सच बोलने की इस दुनिया में कॉस्ट होती है राइट right? वो डॉक्टर ईशाना में कहा करते थे पढ़ाते हुए कॉस्ट ऑफ़ बीइंग अ मुस्लिम ठीक है तो आप सदनाकब रज़ी अल्लाह का वाक़ देख लें ठीक है कि जब वो उस गजवा तबूक पर नहीं शरीक कर सके और उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं थी नहीं? तो जब नबी करीम से वापस आते हैं और आप सम के पास जो लोग नहीं गए थे जिनमें से अक्सर व बेशतर मुनाफी थे तो सब ने आके झूठ बोला बहाने बनाए ठीक है एंड आप सम ने सबको माफ़ कर दिया एंड तीन सहाबा जलील साहबा नहीं गए थे जिनमें सैद क़ाब भी हैं और इन तीन ने झूठ नहीं बोला देखिए सच बोला कि अरसोल्ला हजरकब कहते ना कि मेरे पास मुकम्मल कुदरत थी जाने की uh. बट मैं नहीं गया राइट राइट एंड आई डोंट हैव एनी एक्सक्यूज बिकॉज ही कि ये झूठ बोल के मैं अभी बच जाऊँगा इन मुनाफिकों की तरह बट द कॉस्ट इज मच ग्रेटर एंड इट वॉज वेरी हार्ड फॉर हिम फॉर फिफ्टी डेज द कुरान डिड नॉट कम डाउन नो बडी वो स्पीकिंग टू हिम बट देन हजरत काब की क्या शान है ठीक है कि अल्लाह ती उनके बारे में सूर तबा की आयात उतारते हैं एंड आज भी हम उनकी हदीस को पढ़ के जो है ना उनका नाम याद रखते हैं So, वही वाली चीज है कि I हम अपने विजन को थोड़ा सा बड़ा हाँ, कर ना एक माइंड सेट का पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम है टू अ लॉयर क्योंकि जब आप <coughs> जुडिशरी और केसेस सोचते हो ना तो आपके में के कि क्योंकि वो काम ही बुरा है एंड आई टू अ लॉयर तो उसने कहा दी मैं सच्चा केस के अलावा केस ही नहीं लेता तो हम रिस्क से जोड़ रहे ना उसको यार फिर मैं काम कैसे करूँगा तो उसने कहा कि एवरी पार्टी जब आप केस की बात कर रहे हो तो एक हक पे है ना हक पे है मैं सिर्फ हक वाले का केस लेता हूँ तो वो दो क्लाइंट्स थे ना टेक्निकली एक नाहक पे था और एक तो ये आपकी चॉइस थी आई एव फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज किया वो कहता है मैंने कभी गलत केस नहीं लिया और मैं हक केस पकड़ता हूँ क्योंकि दोनों साइड से आपने क्लाइंट पकड़ना है तो आप सच वाला क्लाइंट ले लो क्लाइंट तो दोनों टेक्निकली है ना हम भी हाँ शायद कम पे करेगा बट देन ओवर टाइम उसकी रिप्यूट इतनी बन गई विच अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के जिसपे फिर उसको सारे अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे हैं <coughs> और ना हमारे यहाँ पे कहते हैं चीज़ नहीं बिकती या हम क्यों वापस करें जो वक्त ही फायदा है तो अगर आप इसमें मेरे ख्याल से कभी आप वेस्ट को देखो ना तो इस बात पे वो हमसे ज़्यादा खड़े हैं क्यों इसलिए कि जो पाकिस्तानी माइंडसेट है ना कि नहीं सच बोल के नहीं बिकेगी या सच बोल के कैसे होगा तो वहाँ पे आप उनके स्टोर्स को देख लो वो सेल्स कैसे करते हैं आप चीज़ वापस करने जाओ वापस ले लेते हैं यहाँ पे वो सेल करते हुए आपको दे देंगे वापस करने जाओ कहते हैं कि हमसे हमारे स्टोर से ली नहीं है वॉलमार्ट पर आपने किसी और से भी ली हो तो वो वापस ले, ले लेते हैं बट देन यू गेट क्लाइंट जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ वापस भी आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लली इट इज मोड टू डू विद माइंड सेट के जी नहीं रिस्क नहीं मिलता या सच बोलेंगे तो वो फ़ायदा कैसे पहुंचेगा हमें

exactly so, so for life long, you would have to lie to sell yourself because you never built up that repute on truth तो अगर आप जो अच्छा देखो अगर स्किल्ड नहीं हो ना काम ही नहीं आता चाहे वो प्रोडक्ट है या सर्विस है क्योंकि हम वर्क की बात कर रहे हैं तो फिर तो एक अलग मसला है उसको आप झूठ से नहीं छुपा सकते वो कभी ना कभी it's going to become apparent. Yeah. आपने वो तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में नजर आना शुरू हो जाओगे तो फिर क्या करोगे so, अगले साल प्रमोशन मिलती बट इस साल आप स्किल सेट पर काम करते वो जो कमी थी उसको दूर करने की कोशिश करते अदरवाइज hmm. तो आप अगर इफ यू गॉट एवरी थिंग तो वो प्रमोशन आपकी कोई रोक नहीं सकता था कहीं ना कहीं कोई कमी थी जिसको आप झूठ से छुपा रहे हो ना तो उस कमी को झूठ से छुपाने के बजाय सच से ठीक करो अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना है पाकिस्तान अपनी मार्केट कैसे ख़राब किया है वो तो मैं ट्रेडर से बात कर रहा था उन्होंने कहा कि हम सैंपल कुछ भेजते हैं बाहर और उसके बाद जब ऑर्डर मिल जाता है तो उसमें कचरा भर के भेज देते हैं लत से सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भेज देते हैं बट फिर वो एक ही दफा बिकेगी क्यों इसलिए कि नेक्स्ट टाइम जब ने आप बेचने की कोशिश करोगे तो नेक्स्ट टाइम नहीं बिक रही होगी अच्छा उसमें वो पहले क्या कर रहे हैं कि आप पहले आपने अरसलान को धोखा दिया दफ़ा अहमद को धोखा दो फिर तनवीर को धोखा दो लेकिन अब आप गूगल पर रिव्यू लिख देंगे फ़ौरन या तो वो जो आपका वो था ना कि मैं यार मेरी जिंदगी तो गुजर जाएगी झूठ बोल बोल के फायदे में आई डोंट थिंक सो दैट वर्क्स इन द लॉन्ग रन इट्स जस्ट लाइक आपके ईमान की कमी है जिसमें आपको लग रहा है कि अल्लाह सच से नहीं देंगे अच्छा ये तो भी आप वैसे बात कर रहे हैं ना कि देर इज एन ऑब्जेक्टिव टू इट कि कोई कोई ना कोई फायदा हो रहा है ऑफ़न टाइम हम ऐसे भी झूठ बोलते हैं कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता hmm. कि इट्स किट्स एब्सोलुटली मीनिंगस झूठ जो हम अपनी फैमिली uh, में अगर आप बहुत फनोट करें तो यार इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग एल अबाउट अडल्टव यार फलाना फ्र, तो है ही ऐसा वो तो ये करता है वो तो वो वो करता है वेन यू नो कि यार रियलिटी ऐसी नहीं थी hmm. और उसमें hmm. और उसकी वो ऐसे करता है ये ये वैसे करता है उसमें आपका कोई फ़ायदा भी नहीं है hmm. तो उसके मामले में क्या है कि आप इज दैट जस्ट कि यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन तो आप झूठ बोलते हो यू वॉन्ट गेट सम्प्रेरी फेम आई गैस एक तो बात यह ना कि जब इंसान की आदत बन गई हो खूसा जो शख्स बड़े बड़े झूठ बोल रहा है जिसमें यानी लोगों के हक भी ज़ाहल हो रहे हैं माल में भी बद देती है तो छोटा झूठ तो उसके लिए बिकम्स अ पीस ऑफ केक अनफॉर्चुनेटली एंड प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ का जवाब अल्लाह को देना पड़ेगा एंड अल्लाह हम सबको माफ़ करे कि वाकई हमारी आदत में कई दफ़ा झूठ होता है यू नो हम कुछ कहने में किसी उसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारे उर्फ में दिन में कई दफ़ा हम झूठ बोलते हैं hmm. अपने बच्चों से बेगम से माँ बाप से ठीक है एंड वो दीनी लोग उसको तौरिए का नाम भी कभी hmm. दे देते हैं हम लोग और एट दी एंड यू नो यू योर हार्ड नोज वट यूर डूइंग सोशे कगेन आई आई वुड जस्ट से कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बाकायदा ठीक करने के लिए ना इंसान को अपनी जिंदगी का जायजा लेना ठीक है हुँ. और हमारी आदतें इतनी पक्की हो चुकी हुई हैं कि मैं आज मैं और आपकी पॉडकास्ट कर रहे हैं शायद मैं दस मिनट बाद नीचे उतरूँ और मैं फिर झूठ बोल दूँ ठीक है लेकिन हाँ इस पॉडकास्ट यानी इस कहने या नसीहत देने सुनने का एक असर क्या होता है कि उस वक्त जब मैं झूठ बोलूँगा ना मुझे अचानक ख्याल आएगा कि नहीं यार ये मैंने गलत किया अच्छा जब ये मुझे ख्याल आ गया और बोल तो मैं चुका हूँ तो अब ये होना चाहिए कि मैं उसी वक्त उस शख्स को बुलाऊँ मैं क्यों नहीं यार मैंने गलत बात की ऐसे नहीं था ठीक है कि उधर ही अपनी ख़ुद तसही करूँ ठीक है और फिर उस जज्बे को लेके चलता रहूँ और ऐसी मजाले में बैठता रहूँ जहाँ लोग सच बोल रहे हैं ठीक है जहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही सो वो वो पूरा एक निज़ाम है इनफ़रादी तौर पर भी उस पर भी कि हम उस चीज़ को जो है जहन में रखें और आई थिंक नबी करीम से की जो अहदिस है इसके बारे में जहाँ वहीदे भी हैं जो फ़ायल बयान किए गए सच बोलने पर कुरान की जो आयात है जितना इंसान उनको बार बार पढ़ता है ठीक है तो उससे भी एक याद दहानी होती है ठीक है क्योंकि वो एक सेल्फ सोहबत के तौर पर ऐड करता है हम सब के लिए कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तो ये बात नहीं ये तो बहुत सीरियस आ, है ना नबी सात सलाम के बारे में तो आता ना मजाक में भी कभी गलत बात नहीं करते थे वो एक सहाविर के बारे में आते ना तो उन्होंने नबी सातम से ऊट मांगा जरूरत होगी उन्हें तो आपने फरमाया मैं ऊँट नहीं दूंगा मैं ऊँट का बचा दूंगा तो वो सहाबी ने फरमाया कि यारलसम मैं ऊँट के बच्चे को क्या करूंगा लाइक like, मुझे अगर ऊँट चाहिए तो मैं बच्चे को क्या करूंगा तो फिर फरमाते हैं कि हर ऊँट ऊँट का बच्चा है तो आपने मजाक में भी यानी कि आप ये सोचो कि सब कॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड इट्स गोइंग ऑन इन इज माइंड कि इस पर भी आप गलत बात नहीं कर सकते एक सहाबिया रज़ी तरह नबी से बूढ़ी सहाबियाँ थी फरमाती हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मुझे जन्नत में अल्लाह तला जगह दें तो आपने फरमाया नहीं बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे अब वो परेशान हो गई <laughs> कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर आपने कहा कि क्योंकि अल्लाह ताला मिड थर्टीज़ <laughs> राउंड अबाउट एज आती है कि जिसमें अल्लाह ताला सारी इंसानियत को मिड थर्टीज़ में पैदा करके जन्नत में जाएंगे नोबडी इज़ गोइंग टू एज आउट इन जन्नत तो वो ना कि आपके आपकी गुफ्तु में ही गलत बात नहीं है तो ये हमारा अनफॉर्चुनेटली बहुत डिलेमा है कि ये जो आप कह रहे हैं ना हम ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है जैसा मैं लड़कों से कहता हूँ कि यार हम गाली देते हैं ना तो लड़कों में बहुत आदत है गाली देने की और वो इतनी बुरी बात कर रहे होते हैं बट वो डे नोट इवन मीन इट ना सुनने वाला ना जो कह रहा है वो तो फजूल का गुना है तो ये जो हमारी गलत बात करने की आदत है जो अल्टीमेटली अल्लाह के नज़दीक तो झूठ है क्योंकि वो बात सच नहीं है तो समटाइम्स डज़ हैपन बिकॉज हमारे कल्चर में या हमारी आदयात में वो चीज़ शामिल हो चुकी हुई है तो वही इट्स अ कॉन्शियस माइंड जो उससे बच सकता है अच्छा बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं छोटी सी ऐड करूँगा जो आपने गाली वाली बात की थी उसमें अक्सर कोई बंदा अगर उर्दू या पंजाबी में गाली दे तो इन द नॉर्म इज़ यू वुड कंसिडर दैट बैड क्या आप उसको

I I mean, I think, I think, it has to also do ज टू डू विज अनि पंजाबी फॉर एग्जाम्पलज है डिफरेंट कॉनोटेशन इन हाउ कॉम्प्रीहेंडेड एनि जैसे इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि वो जो अगर आपने कभी कोई unfortunately stage drama देखा हो hmm. जिसमें कुल वो हैं पंजाबी में होती हैं hmm. तो अगर कोई उसकी इंग्लिश डबिंग करके ट्रांसलेट करे तो दोक हाँ. सो पंजाबीज दिस नॉट टू थोटेंशियल टू बिकमर सडन वेरी वेलकर उर्दू नहीं बाई द वे आई वु से उदू उ बड़ी सलीस है अगर प्रॉपर उंग्लिश आई थिंक वो हमारे यहाँ अपना एक कॉलोनाइज माइंड सेट भी है वो सारी चीज़ें भी हैं फिर <coughs> ये भी फर्क पड़ रहा होता है कि देखें कि कुछ लफ्ज़ों का उर्फ में जो इस्तेमाल है ना वो बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव या न्यूट्रल है डिपेंड करता है अंग्रेज़ी की गाली की उर्दू ट्रांसलेशन क्या है और उसमें दोनों इस्तेमाल अलग अलग हो रहे हैं तो देट है so hmm. well, right? so, yeh, कि गलत अल्फाज मुँह से नहीं निकालने चाहिए वो बुनियादी तौर पर किसी को क्या ठीक अच्छा और यह एक कल्चर चेंज भी हो जाता है hmm. आप पाकिस्तान से बाहर चले जाए ठीक है वहाँ वो क्या बात किस तरह कह रहे हैं किस तरह नहीं करें वो जबान के एतबार से या उनकी यूजेज के एतबार से चेंज हो जाता है बट जो शख्स सच बोलता है वो तो कम ऐसे अल्फाज तो कभी इस्तेमाल नहीं करेगा And गालियों नेक्स्ट क्वेश्चन you know, के समटाइम्स वी लाए टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट अब उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि यार दैट शुडेंट दैट डजन नीड टू हैपन कि अगर मेरी आपकी लड़ाई हो रही है अगर एक झूठ बोल के बात ख़त्म हो जाएगी तो इट यू कॉल इट अ वाइट लाए इन अ सेंस या एक ये भी है कि यार अगर मेरी रात लड़ाई हो रही है एंड मुझे पता है मैं हक पे हूँ मैं ठीक हूँ और जो एंड इफ आई डोंट फाइट तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे हाँ। जो के, आ, जिसकी कि जिसकी वजह से यू नो हमारे जो मुल्क के हालात यहाँ तक पहुंचे हुए मैंने नहीं लड़ी तो अब एक ही एस्पेक्ट है कि हाउ डू यू डिफाइन केयर यहाँ पे वाइट लाई है या यहाँ पे मुझे लड़ना है कि that, that और उसमें मैंने झूठ नहीं बोलना झूठ का सहारा मैंने नहीं लेना ये yeah, जस्ट वाट बी स्मार्ट अनाफ टू फ्रेज इट आउट कि जहाँ पे आप झूठ नहीं कर बोल रहे आप गलत बात नहीं कर रहे बिकॉज इट कुड भी कि आप जज्बात में आके सिर्फ जल्दी में यह समझ रहे हो कि नहीं मुझे झूठ बोल के आई कैन अवॉइड इट और झूठ बोल के आई कैन चेंज द सिचुएशन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक uh, आप कोई भी बात कर रहे हो तो उस बात को करने के पीछे आपको सोचना चाहिए वैसे ना पहले तो फिर बोलो Hmm. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन uh, में प्रोफेशनल it, कोई किसी जगह तो है नहीं है एंड ऑल ऑफ एंगेजमेंट इज बिकॉज यू गॉट अ टारगेट इन माइंड चाहे वो स्कूल है चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे वो बिजनेस है तो वो पर्सनल एतबार से आपको अदीस में जिक्र आता है जैसा मियाँ बीवी के बीच में नबी सात ने फरमाया कि दिस पॉसिबिलिटी के जहाँ पे आप थोड़ी सी बात को घुमा रहे हैं उनके आपस के ताल्लुक को बेहतर करने के लिए hmm. या यहाँ या, पे नेशनल इंटरेस्ट है तो वो आप शायद बात को उस तरह कर सकते हो बट आई डोंट थिंक सो के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए वन यू गॉट योर गोल्स एंड विजन सेट वहाँ पर आपको झूठ का सहारा लेना चाहिए बिकॉज इट्स कोइं टू हर्ट एवेंचुअली इफ आई एम अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन तो वो it's going to hurt eventually. ये नहीं हो सकता कि आप झूठ बोल 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 तब तो सब जब, जब जमा कर रहे हो उस चीज़ को तो अगर फॉर एग्जाम्पल तो मैं बताता हूँ क्रिएट अ कल्चर जहाँ पे इज वेरी ओपन अबाउट थिंग्स तो क्या होता है कि सॉफ्ट बात करनी तो आसान है हार्ड बात करनी बड़ी मुश्किल है फॉर एग्जाम्पल इफ यू इफ यू वर्किंग टुगेदर और जैसे ही हम नसीहा जहाँ पे ना शेख शेख वाली रिलेशनशिप है जहाँ पे तुम मेरा लिहाज भी रखता है बट देन वी मूव ऑन टू अ प्रोफेशनल सेटिंग जहाँ पे एक टारगेट है और अमानत भी है ना बिकॉज इफ इट्स माई ऑर्गेनाइजेशन या किसी और की ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पे वो सारी रिसोर्सेस अमानत भी हैं तो समटाइम्स विट हैपन्स इसकी जो झूठ वाला पार्ट क्यों आता है क्योंकि मैं तुमसे हार्ड टॉक नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल इफ आपके के पी आई पूरे नहीं हो रहे हैं या आप आ, अपनी परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू माई आई कैन जस्ट बिकॉज आई हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद यू एज वेल तो वहाँ पर मैं कहूँगा यानी झूठ बोल के मैं इस तरह किसी को अवॉइड कर लूँ आई आई डोंट थिंक सो दट शुड बी एंड वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ मेचोरिटी इन आर प्रोफेशनल वर्क स्पेस जहाँ पे ऑनस्ट कॉन्वर्सेशन एंड समस्ट कॉन्वर्सेशन हार्ड कॉन्वर्सेशबुआ कुरान में सिर्फ जन्नत की बात नहीं कर रहे हैं ना जहानदम की बात भी कर रहे हैं अल्लाब इज़र चिकन कैरेट मैग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड वाई तो वो दोनों साथ चल रही हैं ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कहो कि जी मीठी मीठी बातें करनी है और हार्ड टॉक नहीं करनी और मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ शुक्र रीज़ uh, को सुन नहीं रहा बट आई थिंक आपकी ऑनेस्टी का तकाजा ये है और अगर आप जनरली किसी की ग्रोथ के लिए वरिड भी हो कि यू नीड टू हैव दैट हार्ट टॉक एज वेल तो आई आई डोंट थिंक सो बिकॉज हाँ द वे यू एंड अप डूइंग इट इज इज द रियल थिंग इसका ये मतलब नहीं हार्ट टॉक का मतलब है कि आप फायरिंग शुरू कर दें hmm. किसी को फायर भी करना है तो उसके भी कुछ अदाव है किसी को ऑर्गेनाइजेशन से फाइनली कहना है कि ना इट इट्स नॉट वर्किंग डिवोर्स देने के भी ना पाकिस्तानी कल्चर में डिवोर्स क्या है इस तरह का बिल्कुल भी एक नेगेटिव कनोटेशन के साथ है जबकि अरब कल्चर में ऐसा नहीं था क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस डिवोर्स में वेयर टू तो पीपल जेन्युइनली गुड पीपल माइट कम टू अ कंक्लूजन कि हम इनकंपैटिबल हैं तो वो इनकंपैटिबिलिटी hmm. को फ्रेज आउट कैसे करना है वो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल झूठ का सहारा लेने की जरूरत है उसके लिए यू नीड टू लर्न टू टॉक इन वेज दैट यू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं एंड वी जेन्युइनली कम टू दैट कंक्लूजन कि ये चीज़ नहीं चल सकती है hmm. तो कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट लाइक ढीघा मुश्ती ही करनी है

मेरे दोस्त के साथ दुकान है इसको मैं डिफेंड करना है फड्डा हो गया तो मैं इसके साथ हूं। वो चाहे ठीक पे गलत पे तो वहाँ पे व्हाट्स द नोशन के जहाँ पे पर्सनल रिलेशन की स्ट्रेंथ इस कदर हो जाती है कि इट नॉट लाइंग इज गद्दारी इवन कहूँगा कि गो बैक टू सलाम ये फिर ईमान का मसला है फातिमा नाम की एक खातून होती है उन पे केस होता है फाइनली डिसीजन ये होती है हाथ काटे का बट शी बिलोंग टू अ वेरी Uh, असर रसूख रखने वाली फैमिली वो तो जो पाकिस्तान में कल्चर है ना कि यार ये चौधरी की बेटी है इसको नहीं कुछ हो सकता मनिस्टर की बेटी है दस्ट पॉइंट सलाम से इसके मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होगी ना तो हाथ कटेगा नॉट लाइक शी इज़ डूइंग इट बट जस्ट ट्रेंड राइट अगर आपने आखरत में अपने रब को जाके जवाब देना है ना तो दस दस लाइक योर प्राइमरी आइडेंटिटी उस आइडेंटिटी को रख के इस चीज़ का जवाब देना है अगर वो आइडेंटिटी आप बिकॉज पीपल्स कहीं से नहीं यार आखरत की बात साइड पर रख के जवाब दो नहीं आखरत की बात पर साइड रखे फिर जवाब मुझसे पूछो ना

प्रेशर डालने के मास्टर <laughs> हैं कि हम भी कैसे हैंडल करें हम आपके प्रेशर को अच्छा प्रेशर इन इन वर्क तो बहुत ज्यादा अक्सर होता है कि यार यूर इन योर कोलिग्स जहाँ पे इफ यूर ऑल मिड लेवल सारे मिड लेवल हैं सारे जूनियर हैं तो वहाँ पे एक पीयर प्रेशर होता है hmm. कि यार वेयर वन hmm. और हमने बस एक दूसरे के साथ देना fact, है रिगार्डलेस ऑफ द यार रियलिटी क्या उसको उस पीयर प्रेशर को हमने कैसे ओवरकम करना है या बस बेहतर देखें इफ़ यू बिकॉज पीपल हैव वट वी कॉल इज फोमो इज वेल देर इन दैट सोशल सर्कियर सो दैट आई मीन इफ यू वॉन्ट बार ऑफ दर्कियर एंड यू डोंट वॉन्ग वन थिंगट यू कैन डू इज दिस के बी द लीडर सेट द ड ओन राइट राइट कि आप बन जाए अपने ऑफिस में छः दोस्तों के दोस्त भी बने सब कुछ करें बट ग्राउंड रूल सेट बी कूल इनाफ के दे ऑल लाइक यू दे वॉन्ट यू टू भी पार्ट ऑफ द ग्रूप एंड देन यू सेट द ट्रेंड आप कहें नहीं यार झूठ नहीं बोलेंगे ये गलत बात है ठीक है एक दफ़ा कहना होता है ठीक है एक दो लोग कहेंगे कि नहीं यार झूठ नहीं बोलेंगे एंड अगेन यू नो जब कोई कहता है अगर लेट से दो तीन लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है वो उसको कह सॉरी मैं तो नहीं बोल सकता ठीक है ठीक है नो डिसरिस्पेक्ट ठीक है आई स्टिल लव यू बट मैं नहीं बोलूंगा मैं पीछे हट रहा हूँ आइदर ही विल गिव इन और आप पीछे हट जाएंगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए यू पुश ऑन दिस बिकॉज

आपका कंपनी का ट्रिप जाता है बायर या कहीं भी चला जाता है पाकिस्तान में भी आप नॉर्थ आप कहीं जा रहे हैं अब तो अल्लाह माफ़ करे नहीं अल्कोहल इज बिकम्स सो कॉमन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हर जगह सारे शराब पी रहे हैं आप नहीं पी रहे बहुत सारी लड़कियाँ जो शायद नमाजी भी ना हो बट अगर उसकी उस, उस उस ये बिलीफ पक्की है ना कह रहा नहीं मैं शराब नहीं पीऊँगा लोग मजाक भी उड़ाएंगे मैं जानता हूँ कितने यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हैं या मेरे सारे दोस्त पीते हैं बट मैंने हाथ नहीं लगाया आज तक अलहमद लाला जैसे जैसे जीमान अल्लाह उसको ब्लेस करे सिमिलरली यू कुड भी दैट पर्सन के यार मैं झूठ नहीं बोलता नबी करीम सल वम उस माशरे में जिंदा है जहाँ झूठ ही झूठ है सादिक और अमीन कहलाए जाते हैं और क्या होता है लोग ट्रस्ट करते हैं रिस्पेक्ट मिलती है उनको उस वजह से तो थोड़ा सा यानी अल्लाह आपको तनह कभी नहीं छोड़ते चार दोस्त बात ज़रूर करेंगे बट वो चार दोस्त इनफरादी तौर पर आप ही के पास बाद में आएंगे कि नहीं क्योंकि उनको पता है यार ये बंदा ये सीधा बंदा ठीक है हाँ अब यह भी है ना कि मैं पब्लिक डिमीनर में तकवा है ठीक है भी बाबा के लिए बाद में मैं भी दो नंबरियाँ कर रहा हूँ तो फिर लोग लोग लो, पीपल केन सी थ्रू राइट तो अगर हम वाकई सच्चे बन जाए ना मैं समझता हूँ इवन जो लोग झूठ नहीं बोल रहे वो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे मसला ये है कि हम भी आधे तीतर आधे बटे रहे ना ठीक है पॉडकास्ट में सच्चे नीचे जाके झूठे जो सच्ची बात है यानी अल्लाह हमें माफ़ करे तो इसलिए फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता हमें राइट सीधी बात हम करते नहीं

हाँ, अभी भी यही है एंड मिथ कि हम किसी जमाने में आ गए या मसले नए हो गए मसला इंसान का पहले दिन से लेके आज तक वही है पैसा मसला <laughs> <जेंडर मसले, laughs> है जेंटर मसला है इंट्रैक्शन और अपने आप को बिकॉज टू दाइट तो बड़ा सिंपल हो जाता है यार

If we read it in a manner, dekho, when you look at the statement of the Prophet as a qazi or as a fiqhi statement or as a position which has a verdict in it, then the relatability comes. Hmm. When you look at the Prophet in totality as a man who came down not just to bring the truth but to bring justice, who stood for us, who cared about us, thekhe, I think everything that he said becomes a lot more relatable. अकीदत की बात है ना बहुत सारी कि तो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि दीन बोझ इसलिए बना हुआ है उनके लिए बाकी जनरली भी हम सब के लिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम उसको डूज़ और डोंट से कुल तशबी दे चुके हैं और डूज़ भी हमसे होती नहीं है ठीक है और डोंट्स की प्रॉब्लम यह है कि हमारी अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकली ऐसी होती है कि हर चीज़ पे हमें जब हम जायज़ा लेते हैं हमें लगता है ये भी अल्लाह ने मना कर दिया ये भी मना कर दिया ये भी मना कर दिया तो परेशान ही होता है ना वो ठीक है अब मसला यह ना कि मैं अगर यूनिवर्सिटी के किसी एक लड़के या लड़की को उठा दूँ और सिर्फ उनका ज़ाहरी लिबास ले लूँ तो प्रॉब्बली वो हर चीज़ जैसे पहन रहे हैं ना वो सुनत के बर खिलाफ़ है तो बच्चा बच्चे परेशान हो जाता है कि यार ये ये वॉट इज़ हैपनिंग राइट तो मसला आधी गलती उसकी नहीं आधी गलती ये कि जिस माशरे का वो हिस्सा है ठीक है वहाँ जो फैशन के टर्म्स को डिक्टेट कर रहा है ऐसे लगता है कि किस पीछे पूरी एक जिसे कहते हैं ना लॉबी है जिसने फैसला किया हुआ है कि हर चीज़ दीन के बर खिलाफ़ करनी तजारत करने चले जाओ तो हर उल वैसे चल रहा है जैसे दीन कह रहा है कि नहीं करना hmm. वो बैंकिंग इंडस्ट्री है तजारत की जनरल आपके नोशन है तो दिस इज़ वॉट ए सेक्यूलर वर्ल्ड लुक्स लाइक एंड इफ यू रियली केयर अबाउट इस्लाम तो हमारी जॉब ये नहीं है कि हमने खाली अपनी जिंदगी में इसको ठीक करना है वी हैव टू वर्क टू वर्ड सिस्टम्स ठीक है एंड वी हैव टू बिल्ड कम्यूनिटीज चाहे छोटी क्यों ना हो जहाँ ये चीज़ें ठीक हो वी हैव टू हैव इंडिविजुअल्स जो कि इस मैसेज को कैरी करें और कहें कि नहीं यार हम ठीक करेंगे एंड एंड आई थिंक आई एम श्योर यू सीन एंड कि वन वन पर्सन पर्सन कैन चेंज चेंज एन ऑर्गेनाइजेशन या आई मीन वी बिलोंग अ ट्रेडिशन द वर्ल्ड तो आपसे मेरे तो क्या ही तकादा हो रहा है राइट right? कि आप अपने दफ्तर के माहौल को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप वहाँ नमाज की अहमियत का करवा सकते हैं आप हया पैदा करवा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं ठीक है और इसको फ्लिप भी हो सकता है यानी किसी भी मल्टा को ले लो अगर अगर एक डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट का ट्रिप जा रहे हैं हांगकॉन्ग जा रहे हैं थाईलैंड जा रहे हैं ठीक है, है? तो जो बॉस कहेगा जिस जिस चीज़ की इजाज़त है वो होगी और जो वो कहेगा नहीं है तो वो नहीं होगा इतना तो तो ऑफ पे आ गए ना ना तो ये सारे इस्लाम इसी जिस इंडिविजुअलिज्म को लिबरलिज्म ने एक्सप्लोइट किया ना मेरा मेरी सोच मेरी मर्जी मैं जो चाहूँ वो करूँ उसका बिल्कुल फ्लिपसाइड यह है कि इस्लाम भी ये कहता है कि इट्स इट्स ऑल अबाउट यू आप क्या कर रहे हो इस्लाम कभी भी सोसाइटी के नॉर्म्स और सोसाइटी के कल्चर्स की वजह से आपके माइंडसेट पे कोई डिस्ट्रक्शन लगाता ही नहीं है आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इट ऑल बॉल्स डाउन कि उस छोटे से सिस्टम में भी कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो यू नीड टू हैव दैट पर्सनल अकाउंटेबिलिटी अच्छा इसमें वन लास्ट क्वेश्चन मोर लाइक रैप दिस अप इंशाल्लाह इसके हाउ डू व्हाट आर सम प्रैक्टिकल स्टेप्स इन डिवेलपिंग दैट माइंड सैट कि यार मेरे इर्द गिर्द अगर झूठ है भी वो चाहे आप मार्केट में बैठे हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हो बॉस के साथ बैठे हुए हो जहाँ मर्जी बैठे हुए हो कि वट आर द प्रैक्टिकल स्टेप्स दैट यू कैन टेक उस पॉइंट पर आपका जो दिल है ना वो फर्म हो जाए कि यार नहीं मैंने अपने अल्लाह अल्लाह रूस के रसूल की बात माननी है मैंने वत करना है आई थिंक एक प्रैक्टिकल स्टेप तो ये है कि हम आइडेंटिफाई करें लिटरली बैठ के कि यार मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा हूँ ठीक है एंड बड़े हमत और तरीके के साथ से कुछ फैसले करें जिनमें हमें शायद ऐलान भी करना पड़े कि यार इन द पास्ट मैं ये करता रहा हूँ बट अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा ठीक है जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ एक शख्स है जो कि ताजर एक दुकान पर काम करता है और उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई आपने ये कपड़ा ऐसे कह के बेचना है जबकि ये ऐसे नहीं और वो पाँच दस साल से करता है तो अब उसको यानी कहीं उसको एक तो उसका एहसास करना है कि यार ये ये चीज़ है मेरे और उसको अपने बड़ों को ही नहीं अपने बॉस को अपने लाइन मैनेजर को जाके बताना है अपने सेट को बताना है कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगा ठीक है अब आप मुझे रखना चाहते हैं आप मुझे वैल्यू करते हैं इनफ ठीक है नहीं भी रखना चाहते तो मैं मैंटली रेडी हूँ उसके लिए भाई दोस्तों में बात यानी कभी ऐलान करना पड़ता है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे यार एंड यू नो बी हो तुझे क्या हो गया मौलवी हो रहा है कौ मैं हो रहा हूँ मौलवी भाई यही सवाल होगा ना देखे जिस भी जो भी लड़का दीन की तरफ आता है उसको ऐलान कहीं करना पड़ता है कि यार मैं दीन की तरफ लोग मजाक नहीं कर रहे ना, वो बच नहीं सकते आप ठीक है सो मेरे लिए सबसे पहली प्रैक्टिकल बात है कि जब एहसास हो गया है, उस गलत को हाईलाइट करो ठीक है और ऐलान करो ताकि मुश्किल हो तुम्हारे लिए हम हमारा मसला है ना हम ऐलान ही नहीं करते उफ उफ मुश्किल हो जाएगी हाँ मुश्किल हो जाएगी ना पता है क्यों क्योंकि अच्छा क्योंकि होगा ये कि क्योंकि देखो आपकी जो मोटिवेशन इस पॉइंट इन टाइम में वो चार दिन बाद नहीं रहनी ऐलान की प्रॉब्लम या बल्कि जब आप हल्का सा ड्रैक भी कहेंगे ना कोई दोस्ती कहते को, तो सच बोलना था तुझे क्या हुआ तो यूटैट एंड यार बिकॉज शुरू का फेज क्रिटिकल होता है फर्क पड़ता है कि जब ऐलान नबोवत किया ना तो वो सादे को उम्मीद स्टोरी चेंज हो गई ना बिकॉज नाउ यू वेरी क्लियर कि मैं मैं कौन मैं क्या हुँ. और हम उसी वे sort of well. काम करना मुश्किल होते है हैं आप अगर गुना करना चाह भी तो आप क्यों कर रहे <laughs> जिस तरह यह हजरत में आए मौलवी थे तब भी इसकी दाढ़ी थीजन मेरी फायरिंग लाइन में

because you have nothing to hide your matter is with allah subhanahu wa taala and your life is like an open book and allah taala hum sab you will realize that life becomes beautiful if we can all do that inshallah inshallah inshallah